राम राम मेरे प्यारे भाइयों सबको। मैं आज बताने जा रहा हूँ कि किसी भी कार में गियर कैसे लगाते हैं। इस तरह होता है कई भाइयों को या फिर बहन सबको दिक्कत होता है कि एक नंबर लगाए तो 3 नंबर लग जाता है, 3 नंबर लगाने जाते हैं तो 1 नंबर लग जाता है, वही आज हम बात करेंगे। तो ये मेरा रहा क्लच, सॉरी ये मेरा रहा गियर और ये रहा मेरा क्लच। तो क्लच को दबा के ही गियर लगाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं मेरा अभी गाड़ी न्यूट्रल में है। ये ऐसे ऐसे पुश कर ऐसे रखेंगे फर्स्ट गियर में और जस्ट उसी के सामने ऐसे निकाल के फिर बैक करें यानी कि पीछे करेंगे 2 नंबर, फिर यहाँ से निकालेंगे, फिर थोड़ी सी इधर लाएंगे, खिसका देंगे इधर, हो गया 3 नंबर। और ध्यान से देखिएगा, फिर उसके जस्ट पीछे 4 नंबर, और ऐसे निकालने के बाद पूरे इधर यानी कि बल लगा के इस साइड में करना है 5 नंबर, और उसके बाद इधर करके इधर बैक गियर। तो आप लोग समझ गए होंगे कि गियर कैसा लगता है, और मैं आपको एक बार और करके दिखा देता हूँ। ये देखिए ऐसे ऐसे ये हुआ, 1 2 3 4 5, और ये बैक गियर। और सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि कोई कोई हैंड ब्रेक नीचे नहीं कर पाता है, जैसे ऊपर तो वो उठा दिया और इसको इधर देखिए ऐसे दबाते रहता है, तो ये इस तरह दबाने से नीचे नहीं होता है। इसको नीचे करने के लिए ये जो बटन दिख रहा है, ये बटन को इस तरह करके दबाना पड़ेगा। ये दबाए और ये रख दिए, देखो हो गया, नीचे हो गया, हैंड ब्रेक हट गया। और इसको लगाना है तो इस तरह भी लगा सकते हैं या फिर इस तरह दबा के भी लगा सकते हैं। अच्छा रहेगा कि आप दबा के लगाएं। तो धन्यवाद दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे जो मैं बताने चाह रहा था। अगर वीडियो में कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं पहली बार वीडियो बना रहा हूँ। तो बाय बाय भाइयों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।